ये स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे साउंड, तो आज मैं आपके लिए साउंड एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू लेकर आया हूँ। और आज हम लोग समझेंगे कि बेसिकली हमारे कानों तक साउंड पहुँचता कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है व्हाट इज अ साउंड, देन प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ साउंड, आफ्टर दैट साउंड वेव। नाउ वी स्टार्ट। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कम्स फ्रॉम वाइब्रेशंस। सारी चीजें आपको किताबों में मिल जाएंगी। दूसरा क्या है, साउंड इज अ प्रेशर वेव विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात प्रैक्टिकल फील की कर रहे हैं। हाउ कैन वी प्रैक्टिकली फील द साउंड, देन वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल फील। देखिए किस तरह से इन्होंने इसको हिट किया और ये एयर पार्टिकल्स किस तरह से डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, इस डिस्टरबेंस को एक स्टिल पिक्चर में देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से दिखते हैं एयर पार्टिकल्स चारों तरफ। ये क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन है। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से ही क्या क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कानों तक साउंड पहुंचता कैसे। ठीक है, तो उसको भी आज हम लोग प्रैक्टिकली अप्रोच से देखेंगे। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है तो यहाँ भी साउंड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन देख रहे हैं आप कि ये पार्टिकल्स की लेयर्स हैं। ये लेयर इसने इसको पुश किया, अपनी वापस पोजिशन पे आ गई, इसने इसको पुश किया, अपनी पोजिशन पे वापस आ गई, और लास्ट वाले ने इसको पुश किया और अपनी पोजिशन पे वापस आ गई। और ये लास्ट लेयर जो है हमारे कानों तक मैसेज को लेके पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है टू एंड फ्रो मोशन, किसका, एयर पार्टिकल्स का, जो हमारे कानों तक पहुंचती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो मोशन का अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आपको फील करना है तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये बच्ची क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ये अपनी पोजिशन को क्या कर रही है, रीगेन कर रही है। बार बार क्या कर रही है, रीगेन कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन। अब आपको आई होप कि फील आ गया होगा टू एंड फ्रो मोशन होता क्या है, अपनी पोजीशन को क्या करना, रीगेन करना। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखिए एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और पोजीशन को रीगेन कर रहे हैं। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन। डन। अब स्टूडेंट्स, जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो एक पोजीशन आती है पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक पोजीशन आती है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। इफ पार्टिकल्स कोलाइड ईच अदर एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट इट्स अ कंप्रेशन। एंड इन अदर हैंड, इफ पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं एट दैट कंडीशन वी कैन से दैट इट्स अ रेयरफैक्शन, इट्स अ रेयर फ्रैक्शन। ओके, यहां पे आप देखें, दिस इज अ रेयर फ्रैक्शन, दिस इज अ कंप्रेशन, दिस इज अ रेयर फ्रैक्शन, दिस इज अ कंप्रेशन। तो ये अल्टरनेट जनरेशन होती है किसकी, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। अगर पहला रेयर फ्रैक्शन है तो अगला कंप्रेशन कंपलसरी है, देन फिर से रेयर फ्रैक्शन होगा, देन फिर से कंप्रेशन होगा, और इस तरह से लास्ट लेयर जो है हमारे कानों तक साउंड को पहुंचा देती है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की साउंड किस तरह से आपके कानों तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको समझ में बात आई होगी। वेव, अब देखिए ये एक वेव का ये दिखा रहे हैं किस तरह से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से क्या हो रहा है। तो वेव क्या है, वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेव बेसिकली टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। पहली है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप देख रहे हैं कि ये साहब इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर रही है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि वेव की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, यानी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेव एंड पार्टिकल्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर पार्टिकल
और वेव की डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पुश किया गया, फिर से इसने अपनी पोजिशन को रिगेन किया, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका वेव चल रहा है इस तरह से, और पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिकल एंड वेव की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, गेट इट। अब आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाने की कोशिश करेंगे कि वेव में ट्रांसफर क्या होता है। बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नॉट मैटर। कहने का ये मतलब है कि जब साउंड में नॉइज या वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइन में हैं, अगर ये स्टूडेंट्स इनको पुश करती हैं तो ये आगे तरफ गिरेंगी, ये इनको पुश करेंगी, ये इनको पुश करेंगी, ये इनको, ठीक है, सब एक दूसरे को बाय डिफॉल्ट पुश करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनर्जी का ट्रांसफर है, और आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम ये अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेंगे, सभी क्या कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने को ट्रांसफर नहीं किया है, इन्होंने क्या ट्रांसफर किया है, ये एनर्जी को ट्रांसफर किया है, जिसके वजह से सब क्या हुए, आगे की तरफ मूव हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से वेव में भी क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नॉट अ मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा कि वेव जब भी आपकी वेव हो चलती है तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है और इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने देखिए दूसरा एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। ये क्या है आपकी ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है ट्रांसवर्स वेव, वो वेव होती है जहां पे आप वेव की डायरेक्शन ये होती है और पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें वो करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये साहब इसको अपने हाथों से वो कर रहे हैं, सपोज ये रोप है और अपने हाथों से इसको क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, तो ये क्या कर रहा है, एक इस तरह का शेप आ रहा है इसका, इसी को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, सपोज ये पार्टिकल क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करे तो उसको हम लोग कहते हैं, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यही फर्क है होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में, कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव एंड पार्टिकल बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, बट इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड पार्टिकल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे या परपेंडिकुलर होंगे, गेट इट। अब देखिए आपको ट्रांसवर्स वेव दिख रही है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रेड पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहा है, अब वेव क्या हो रही है, आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है बेटा। तो यही क्या है, ये वेव क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, और वेव की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो वेव एंड पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव को ही हम लोग सिनुसॉइडल वेव भी कहते हैं, सिनुसॉइडल वेव भी कहते हैं। कभी कोई कह दे कि व्हाट इज अ सिनुसॉइडल वेव तो आप समझ जाएंगे कि ये बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। अब देखिए ये स्टिल पिक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वेव क्या है, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही है। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव का रियल लाइफ एग्जांपल है, वो है अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ये वेव चल रही है। जब इस तरह से वेव चलती है तो क्या होता है, उथल पुथल होती है, क्या होती है, उथल पुथल, जिससे क्या होता है, अर्थ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं, पेड़ पौधे घर सारा क्या हो जाता है, पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस वेव होती है अर्थक्वेक के कंडीशन में। ओके स्टूडेंट,
तो आई होप सो कि आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आया होगा साउंड का। और अगर आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आया हो तो स्टूडेंट्स इसको और लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से और चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहें। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह अब यहाँ पे एक चीज़ और है आपका, हो गया है आपका कि वेव जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक है आपका क्रेस्ट, एक होता है आपका ट्रफ। ये जो आपकी अपर पोजीशन है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो आपकी लोअर पोजीशन है इसको बोलते हैं ट्रफ, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेव की पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि कलाम साहब ने एक चीज हमसे कही है या लोगों को एक मैसेज दिया है कि लग्जरी एंड लाइव लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट बट ट्रूथ एंड सिंप्लिसिटी आर सेल्फ मेंटेन्ड विदाउट एनी कॉस्ट। तो अगर आप लग्जरी लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, समाज को देखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करेंगे, परेशान रहेंगे। बट अगर आप सच्चाई और सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब भी होंगे और दुनिया में आपकी इज्जत और शोहरत भी होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।